और भाई लोगों कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो पे। और गेम प्ले की बात करें तो आज हम खेल रहे थे वैरंगा में और उतरे थे रेंज में। रेंज में मेरे अलावा और कोई भी नहीं उतरा था, इसलिए मैं यहाँ से अपनी लूट करके जाने की उसमें रहता हूँ। लेकिन मुझे इधर पे फ्लेयर मिल जाती है, वैसे तो कभी फ्लेयर मिलेगी नहीं, और जिस टाइम जरूरत ना हो उस टाइम जरूर मिल जाती है। जब मैं यहाँ से जा ही रहा था तो मुझे आगे जाके एक वाटर स्पॉट हो जाता है, इसलिए मैं उसको एक बार स्पॉट हुआ था लेकिन मुझे दिखा नहीं वापस। जब वो दिखता है उसको मार दिया, इस कारण में कोई भी पार्ट लगा नहीं था, इसलिए बहुत रिकॉल कर रही थी। और आपको पता ही होगा इस कारण कैसे भागती है। और आपको M4 पसंद है या इस कारण पसंद है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। आज से पहले इतना दिमाग मेरे किसी बॉट ने नहीं खाया जितना इसने खाया। एक बार बार वहाँ से वहाँ करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। मैं इसको गोलियाँ टच हो रही है, देखो मैंने कितनी गोली टच करने की, क्योंकि एक गोली भी टच मेरी। जैसा कि आपने देखा मैंने इस बॉट को कितनी गोली मारी, जब जाके इतनी देर बाद जाके मारा है। अभी जाने के बाद मुझे एक जीप भी स्पॉट हो जाती है, उसको मैं जल्दी से लेके यहाँ से निकल सकता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ कि ड्रॉप में जाऊँ, लेकिन मुझे याद रहता है कि मेरे पास एक फ्लेयर है, तो मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं उस फ्लेयर को जाके चला दूँ। फाइनली डिसाइड करने के बाद मैं इस जगह में आ जाता हूँ अपनी फ्लेयर चलाने के लिए। मैंने बीच का सीन काट दिया है कि आप ये बोल ना हो। यहाँ पे मैंने अपनी फ्लेयर चला दी थी और कुछ समय बाद ड्रॉप भी आ जाता है, और ड्रॉप को लूटने के लिए मैं चले जाता हूँ। और ड्रॉप के अंदर ऑग और AWM होती है जो इस कारल को छोड़ने के बाद ले लेते हैं। मैंने S12 की इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वो बहुत पावरफुल गन है। इस गन से बंदे दो हेड कनेक्ट करते ही मर जाते हैं। और आप अगर कमांडो मिशन कर रहे हो तो जरूर S12 के लिए। बहुत देर एनिमी का वेट करने के बाद मैं इधर से निकल पड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी बंदा रस करने नहीं आता है, इसलिए मुझे ही बंदे के ऊपर रस करने जाना होता है। मैंने बीच के सीन काट दिए है कि आप लोग उसमें बोल ना हो। उसमें मैंने बहुत गाड़ी भगाई लेकिन मुझे एक भी बंदा स्पॉट नहीं आया। लेकिन मैं जैसे ही ठहर के इधर आया तो मुझे सामने फाइट तो करते हुए दो बंदे नज़र आए। एक बंदा इतने आराम से लूट रहा है, उसको पता ही नहीं कि वहाँ पे इस पर AWM का हेडशॉट लगने वाला है, लेकिन वहाँ से वहाँ कर रहा था इसलिए मुझे मारने में आसानी नहीं हो रही थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और देखिए उसको एक बॉडी कनेक्ट किया और ये मारा नहीं, दूसरे में जरूर मारेगा। और देखिए मारी ही जाता है। मैंने एक बंदे को तो मार दिया था क्योंकि दूसरा बंदा मुझे स्पॉट हो ही नहीं रहा था, और वो बंदा पागलों की तरह उस दूसरे बंदे पर बार बार नेट फेंकता ही जा रहा था। लेकिन उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के मेरे ऊपर एक बंदा रस कर देता है। बड़े मज़े में आ रहा था लेकिन उसको तीन हेड कनेक्ट करते हैं S12 के लिए, वही मर रहा था। इसलिए कभी भी किसी बंदे पे अंधा रस मत मारिए, पहले डेड करने की सोचिए। ये बंदा अंधा रस मार रहा था, इस चक्कर में पे लग गया। अब यहाँ से मैं सामने वाले बंदे पर रस कर देता हूँ। मैं उसको देखता ही जाता कि वो मुझे ना देख ले, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस घर के अंदर जाके छोटी सी जो बालकनी होती है उसमें जाके बैठ जाता हूँ। बहुत समय रुकने के बाद नेक्स्ट जोन भी बन जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक इस बंदे को नहीं मारूँगा तब तक मैं भी ना जोन में जाऊँगा ना इसको जाने दूँगा। और लास्ट में अपना हेड दिखाई देता है उसका, वहीं पर काम तमाम कर देता है। और जल्दी से मैं अपनी व्हीकल की तरफ जाके गाड़ी पकड़ के चला जाता हूँ यहाँ से। जब मैं अपना गाड़ी पकड़ के इस घर में आता तो ऊपर से मुझे एक बंदे के फर्स्ट स्टेप आते हैं, जो कि मैं ध्यान से सुनता हूँ कि वो किस जगह में TPP ले रहा है बैठ के। और यहाँ पे मैं एक नेट की पिन खींचता हूँ और उसको फेंक देता हूँ, उससे वो बंदा 1 HP से भी कम में बसता है, इसलिए मैं जल्दी से फटाफट इस बंदे पे रस कर देता हूँ। देखिए कैसे वो हेल्थ लगा रहा होता है।
वो लगा भी चुका होता है, लेकिन तब भी मैं उसको मार देता हूँ। इस बंदे के पास गजब वाली लूट थी, एकदम मस्त MK सब लेके बैठा होता। अगर ये जरा सा भी दिमाग लगाता तो मुझे मार सकता था। और इस दोनों हम दोनों की फाइटिंग देख के ये गिली सूट वाला बंदा भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। पहले तो मैं इसको अपने नेट से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये इतना चतुर था कि बार बार वहाँ से वहाँ अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था। मैं भी दूसरी साइड से कूद के इसको देखने के लिए जाता हूँ। ये बंदा आप गैस करिए कहाँ भी मिलेगा मुझे। और ये बंदा वहाँ से TP भी लेके सोच रहा था मुझे इतनी आसानी से मार देगा मैं अगर सामने से कूदता तो, और ये मार भी देता। लेकिन मैं इसको यहाँ ढूंढने आता हूँ, ये मारता नहीं मुझे और वो सामने वाले पेड़ पे होता है। वो तो मैं बच गया, तो अगर अच्छा कोई बंदा होता तो मुझे आराम से मार देता जैसे मैं घूम रहा था ना आसानी से। तो देखिए इसको कैसे मारते हैं। ये बंदा ऑल में कुछ बोल रहा था लेकिन मुझे इसकी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और अगर आपको वीडियो भाई जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो पर।